ये आपने चाइनीज लुक लिया हुआ है, आपका चाइना जाने का विचार है या आप पहले तो मेरे सभी दर्शकों को प्रियंका पंडित का नमस्कार। चाइनीज लुक नहीं है, दिक्कत ये है ना कि मैं थोड़ी सी बबली हूँ, मेरे थोड़े से गाल ज्यादा है तो इसलिए ये लुक वैसा लगता है। बट ये लुक मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए लिया है। मैंने सोचा है कि इंडस्ट्री में बहुत, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर हीरोइन एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं अपने लुक को लेके, अपने कॉस्ट्यूम को लेके, अपनी चीजों को लेके। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग मेरे से मैं खुद कर दूं, क्या पता मेरे बाद ये प्रचलन आगे बढ़ जाए जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह में चलता है। लेकिन आप पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हमारा जो भोजपुरी दर्शक है और जो बहुत बड़ा तबका जो है एंजॉय करता है कि देसी रूप को, आपका जो ये विदेशी लुक है उसको कहां तक वो लोग पचा पाएंगे? क्योंकि मेरे पास, हम लोग के पास मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, तो वो लोग फिर वो सब चीजों को मैनेज कर देते हैं। क्योंकि इसके पहले पुरानी फिल्मों में लोगों ने आपको बहुत सारे अलग अलग गेटअप्स में, अलग अलग रूपों में देखा हुआ है जी। और ये पहली बार ये लुक उनके सामने आएगा जी। जी तो ये सिर्फ फ्रंटल लुक आएगा, लेकिन जब प्रॉपर जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की शूटिंग स्टार्ट होगी, जब पूरा गेटअप आएगा, तो वो अभी तक का सबसे अलग होगा। और मुझे पता है कि वो लोग मुझे, मेरे दर्शकों ने मुझे वो हर एक रूप में पसंद किया है, और मुझे चाइनीज लुक में भी पसंद करेंगे। आई नो यू लव यू मी ऑल। क्योंकि हमारा जो भारत और हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, ये दो मुल्कों की जब आमने सामने टकराते हैं तो उनके बीच की जो दीवार होती है वो किस रूप में आप देखेंगे? फिल्म से रिलेटेड है। फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि फिल्म ही है हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान। देखिए ये जो हमारे डायरेक्टर हैं फिरोज खान सर, बहुत यूनिक स्टोरी लेके आए, क्योंकि अभी तक मैं जितनी भोजपुरी फिल्में आई हैं, सब जानते हैं मेरे दर्शक लोग, लव स्टोरी है सबके अंदर की। गर्ल लड़की पाकिस्तान की होगी, उसको वहां से लेके आए, वो वहां से लेके आए, तो ये वैसी नहीं है, ये पूरा डिफरेंट ही स्टोरी है। और जितने भी हीरोइन, इसके अंदर तीन हीरोइने हैं और 8-10 हीरो हैं, तो ये पूरा डिफरेंट स्टोरी है। और जो भी जाएगा सब बॉर्डर पे है, हीरोइने सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस कर रही है। तो आप किस तरफ से खेल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान की तरफ से, आई एम इंडियन। जो लोग पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे क्या वो इंडियन नहीं है? नहीं, फिल्म में इंडियन है लेकिन उस वक्त वो इंडियन नहीं होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके पहले आपकी जो फिल्में हिट हुई है उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हिट तो आप कह सकते हैं कि इससे पहले इच्छाधारी हुई थी, दीवाने। एक्चुअली दीवाने का मेरा सबसे ज्यादा लगाव इसलिए रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन मुझे उस फिल्म को लेके मिला है। अभी तक में मैं बहुत संतुष्ट हूँ बीइंग ए आर्टिस्ट, क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेडी हूँ अपने काम को लेके। मुझे सिर्फ डांस करके जाने आने वाला रोल पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस दिखाने वाले किरदार काफी पसंद है। तो इच्छाधारी हो गई, दीवाने हो गई, ये दो काफी अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस को मिला है। और अभी आने वाली में आएगा नाचे नागिन गली गली, जिसके मैं शूट कंप्लीट करके आई हूँ, और रिलीज पे है शहनशाह और बागीश।